Get your fucking hands up. सो है गाइज, दिस इज एजिटेटर और आज मैं लेके आ गया हूँ एक ऐसा ट्रिक जिसको यूज करके आप बिना एडवर्टाइज के किसी भी कंटेंट को ब्राउज कर सकते हैं, चाहे आप गूगल क्रोम में करिए चाहे आप डिफॉल्ट ब्राउजर में करिए। बिना एडवर्टाइज के आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मतलब एडवर्टाइज चलेगा ही नहीं। तो उससे पहले, ट्रिक को जानने से पहले, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और लाइक कर दो वीडियो को एक, ताकि मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिल जाए, ठीक है। और ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ मूवीज़वर्स, इधर सर्च करके क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारे एडवर्टाइज देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जैसे ही मैं कोई भी चीज़ सर्च करूँगा तो इधर एडवर्टाइज चलेगा। देखो एडवर्टाइज कैसे चल रहे हैं, देखो कितना फालतू एडवर्टाइज चल रहे हैं। तो इसी को हटाने के लिए एक ट्रिक लाया हूँ, ओके। तो मैं बॉलीवुड में क्लिक करूँगा, अभी तो एडवर्टाइज अभी शो नहीं कर रहा, लेकिन अभी देखो कितना सारा एडवर्टाइज चल रहा है। तो इसी ये सारे चीज़ को हटाने के लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ। तो पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक चीज़ करना है, सेटिंग में जाना है, सर्च करना है DNS, उसके बाद प्राइवेट DNS में क्लिक करके प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम जो दिख रहा है आपको, इधर क्लिक करना है। फिर इधर लिख देना है dns.edgard.com, ओके। इतना लिखने के बाद आपको सेव कर लेना है, उसके बाद देखो मैजिक। फिर आपको थोड़ा सा इधर ये सारे टैब हटा देना है, फिर गूगल क्रोम में जाना है, आपको सर्च करना है मूवीज़वर्स, या फिर कोई भी आप कंटेंट सर्च करिए, आपको बिना एडवर्टाइज मतलब एडवर्टाइज दिखेगा ही नहीं। तो मूवीज़वर्स में क्लिक करेंगे तो हम देखो इधर सर्च करेंगे तो एक भी एडवर्टाइज आएगा नहीं, बॉलीवुड में क्लिक करेंगे एक भी एडवर्टाइज आएगा नहीं, इधर भी सर्च करेंगे कोई भी एडवर्टाइज आएगा नहीं, इधर क्लिक करेंगे कोई भी एडवर्टाइज आएगा नहीं। और कमेंट में बताओ मैंने वीडियो में कितनी बार एडवर्टाइज बोला है, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन